चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के तहत भानु अभिक के डायरेक्शन और रविशंकर खरे के निर्देशन में 1922 प्रतिकार चौरी चौरा की शूटिंग प्रेक्षागृह के सभागार में किया जा रहा है। फिल्म में मुख्य भूमिका सदर सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन निभा रहे हैं। पूरी फिल्म दिसंबर तक दर्शकों तक पहुंचे की उम्मीद है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फिल्म के डायरेक्टर भानु अभिक ने कहा, ये इसका क्या सेंस है? जिनको सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी वो कसूरवार है। भीड़ में पुलिस वाले जो कि मारे जा चुके हैं, जलियांवाला बाग। चौरी चौरा में पहली हिंदी फिल्म है जो नए रिसर्च के साथ बन रहा है, और इस फिल्म की खास बात यह है कि बाबा राघव दास मालवीय जी और वो 19 क्रांतिकारी जो मिसिंग थे वो इस नए रिसर्च में है, और उनके बारे में ये फिल्म बताएगी कि उनका क्या योगदान था। गोरखपुर के वीर हैं ये, इनको क्यों छुपाया गया, ये जो 19 क्रांतिकारी थे जिनको फांसी हुई उनके बारे में है कि उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को, जो गोरखपुर के वीर हैं, जो गोरखपुर के क्रांतिकारी हैं, उसको क्यों छुपाया गया, ये फिल्म बताएगी। यही प्रयास है। इस फिल्म को हम लोग पहले थिएटर में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाद में OTT प्लेटफॉर्म पे आएगा। सर, क्या ककोरी कांड और जलियांवाला बाग भी जोड़ा गया इसमें? ककोरी कांड तो बाद में हुआ, जलियांवाला बाग पहले हुआ। तो फिल्म में ये दिखाया गया है कि जलियांवाले बाग का ये प्रतिकार था, इसीलिए फिल्म का नाम है 1922 प्रतिकार चौरी चौरा। तब तक सर उम्मीद है कि दर्शकों को देखने मिल जाएगा। दिसंबर में फिल्म रिलीज हो जाएगी।